पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार चाहे कितने भी दावे कर ले, मगर सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पीलीभीत से सामने आया, जहां वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से रोजाना सैकड़ों पेड़ों को काटा जा रहा है। रातों रात जंगल की लकड़ियों को आरा मशीन पर पहुंचाया जा रहा है। आपको बताते चले कि यहाँ वन विभाग के सैकड़ों मजदूर रोजाना काम करने आते हैं, और यहाँ काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी नहीं बल्कि जंगल से लकड़ी दी जाती है, और मजदूरी का बजट खुद वन विभाग के कर्मचारी डकार जाते हैं। वहीं DFO नवीन खंडेलवाल ने बताया कि जंगल से मजदूरों को मजदूरी के बदले लकड़ी देने का मामला सामने आया है। इसकी जांच कराई जाएगी। जांच के बाद जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वन विभाग के इस कारनामे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। करते हैं कहाँ? जंगल में? जंगल वाले करवा रहे हैं काम? कितनी मजदूरी देते हैं आपको? कौन है जंगल वाले? क्या नाम है? नाम क्या जंगल वालों? क्या जंगल वालों? क्या नाम आप बताओ? अच्छा, फाल्स कार्ड। मजदूरी कितनी देते हैं आपको? मजदूरी कितनी देते हैं? मजदूरी नहीं देते हैं, बस यही लकड़ियाँ लकड़ियाँ जो कुछ। मजदूरी बिल्कुल नहीं देते हैं, कुछ तो देते होंगे 100-200 रुपया। केवल लकड़ी देते हैं आप लोगों को काम कराने के बदले में लकड़ी देते हैं? कहाँ काम करते हो? रोड पर गए आप? कौन रोड पर? जंगल के अंदर, जंगल के बाहर? जंगल के अंदर। अच्छा, क्या काम चल रहा है? अच्छा, लकड़ी क्यों लेके आते हो? लकड़ी साहब ऐसा है कि काम छुटता है, ले जाओ। पैसे नहीं मिलते? अच्छा, काम पैसे के बदले, मतलब पैसे के एवज में आपको लकड़ी दी जाती है? कौन बुला के लाता है आपको काम के लिए? कौन? मुंशी जी, नाम बताए। चौधरी। वैसे हमारे यहाँ पे जो भी लेबर काम करती है उसका पेमेंट हम ई पेमेंट के थ्रू करते हैं, तो जिनका रोस्टर बनता है उसको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होता है, तो इसमें कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है। तो ये जो बिना मजदूरी के कैश आप बता रहे हैं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर वैसे संज्ञान में आप ला रहे हैं तो मैं इसकी जाँच कराऊँगा, और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, वीडियो में साफ तौर से वन विभाग के कर्मचारी बोल रहे हैं कि रेंजर का पूरा काम है, पैसे नहीं मिलते उन लोगों को, उनके बदले लकड़ी दी जाती है, तो इसमें मतलब फिर उसकी फिर क्या जरूरत है इतनी? जो आप अगर वीडियो का जो प्रूफ कह रहे हैं, हम उसके लिए उसको रेंजर का स्पष्टीकरण कॉल करेंगे। अगर जवाब संतोषजनक नहीं दे रहा और जवाब नहीं दे पाते हैं तो उनकी कार्रवाई होगी और उनकी सस्पेंशन के लिए संस्तुति कर दी जाएगी। इसके लिए कार्रवाई के लिए शासन को लिख दिया जाएगा, और हमारी तौर से जो सस्पेंड करने की कार्रवाई होती है वो हम करेंगे।